सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं, यूनियन सीखने वाले हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाला है। ऑर्डर बाय यूज होने वाला है और शायद लिमिट भी यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो बने लास्ट तक वीडियो के। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो आप ज्वाइन करो जाके, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या करना है। तो यहाँ पे लिया है कि क्वेरी टू सिटीज, ठीक है। तो हमको दो सिटीज चाहिए, किससे, एक स्टेशन टेबल है उसमें से हमको दो सिटीज निकालनी है। एक जिसका क्या हो, लेंथ जो है सिटी का नाम जो है उसकी लेंथ मिनिमम हो, एक वो सिटी देनी है, और एक जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो हमको, तो वो दो सिटीज चाहिए। बट अगर यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है कि अगर कोई ऐसी दो सिटीज है जिनमें क्या है लेंथ बराबर है, मान लो छोटी, मान लो मिनिमम लेंथ 3 mm मिली, ठीक है, और मैक्सिमम 5 mm, बट 3 वाली लेंथ की हमको 4 सिटीज मिल जाती हैं, ठीक है, और मैक्सिमम वाली की मान लो 4 मिल जाती हैं, तो हमको क्या करना है, अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना है, जो सबसे ऊपर आएगी वो हमको देनी है वहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझ में आ रही है कि सेलेक्ट लिखना है, तो सेलेक्ट लिख लो, ठीक है। तो हम इसको दो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें क्या एक्चुअली दो चीजें हैं, एक शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। तो हम क्या करते हैं, 101 करके सॉल्व करेंगे, पहले शॉर्टेस्ट समझेंगे फिर समझेंगे लॉन्गेस्ट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके तो सबसे पहला सेलेक्ट क्या करना है, दो सिटी सेलेक्ट करनी है, तो हम लोग टेबल लिख लेते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम जो भी टेबल का नाम हो गया स्टेशन, ठीक है। तो स्टेशन टेबल से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है वो हमको क्या समझनी है कि शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ जो है कीवर्ड यूज करते हैं। तो हमको क्या करना है, सेलेक्ट, तो हमको क्या चूज करना है, लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, लेंथ निकाल दो, किसकी, सिटी वाले कॉलम की जो है उसमें जो भी हर उसकी जो है लेंथ कितनी होगी वो बताएगा, ठीक है। जितना मान लो 10 कैरेक्टर्स का बना हुआ है तो लेंथ जो हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, स्टेशन, मान लो स्टेशन टेबल में गया, सिटी की जो लेंथ हुई, सिटी वर्ड की जो लेंथ हुई, सब वो प्रिंट कर देगा, 10, 12, 2, 1, 3 इस टाइप से प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको चाहिए शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। बट अगर आपको क्या करना है, मान लो आपके पास 10 वैल्यूज हैं उसमें से आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप इसको मीन के अंदर डाल दोगे ना, मीन के अंदर आप अगर इस चीज को डाल दोगे तो क्या कर देगा वो, आपको मिनिमम दे देगा उसका। मान लो आपके पास 10 सिटीज आई जिसका 10, 20, 30, 40 इस टाइप से था, तो जो मिनिमम वाली होगी वो आपको दे देगा। अब आपके पास क्या आ गई, मिनिमम लेंथ आ गई, आप बात समझना। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, मिनिमम लेंथ आ गई, ओके। अब मिनिमम लेंथ आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बोला गया सिटी चूज करनी है और उसकी जो लेंथ है वो बतानी है आपको। अब यहाँ पे कीवर्ड होता है इन और नॉट इन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अब मेरे पास यहाँ पे मिनिमम लेंथ आ गई, अब हम क्या करेंगे, हम फिर से क्वेरी चलाएंगे, ठीक है। ये क्वेरी फिर से, एक और क्वेरी हम फिर से चलाएंगे, उसके अंदर ये क्वेरी चलेगी, वो चेक करेगी कि वेदर बेसिकली जो लेंथ है करंट वो मिनिमम के बराबर है कि नहीं। हम समझते हैं एक बार एग्जांपल से, कंसीडर कि हमारे पास ये डेटा दे रखा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको मिनिमम मिल गया, मिनिमम को क्या मिल गया, मिनिमम वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई कि भाई 1 है, वो है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एक हाँ, 1 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जो क्योंकि सबसे कम जो सिटी लेंथ सिटी का जो साइज है दैट इज ए, ठीक है। तो ए हमको मिल गया, तो मिनिमम हमको क्या मिल गया, 1। अब हमको अगर 1 मिल गया तो हम क्या चेक कर सकते हैं, हम फिर से क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस डीबी में और सारी रोज को दे सकते हैं, इसमें चेक करा कि क्या ये इसकी जो लेंथ है, इस सिटी की जो लेंथ है वो क्या मिनिमम के बराबर है क्या, अगर है तो हम उसको अपने सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें चेक करा क्या मिनिमम के बराबर है, तो ठीक है, नहीं है तो ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम प्रॉपर फिर से चेक करेंगे उस मिनिमम लेंथ के साथ, ठीक है। तो हमने फिर से एक सेलेक्ट क्वेरी चलाई इस उसी पूरे टेबल में उस कॉलम के लिए, और हमने चेक करा कि क्या वो मिनिमम के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम के बराबर है कि नहीं है, तो हमको ये सारी चीजें मिल गई। मान लो यहाँ पे एक और ए होता, ठीक है, जिसका आईडी यहाँ पे 6 होता, तो हमको यहाँ पे 2 ए मिल जाते हैं, या इसका आप बोल सकते हो कि बी होता, ठीक है। तो ऐसे हमको दो सिटी मिल जाती हैं जिनकी मिनिमम लेंथ होती है, मिनिमम लेंथ क्या होती है, 1 एंड 1। अब वहां पे क्या बोला गया, हमको क्या देना है, अल्फाबेटिकली देना है। तो अब अल्फाबेटिकली देने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज होती है ऑर्डर बाई, ORDER, ऑर्डर बाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेटिकली इसको शॉर्ट कर लेंगे, उसको ऑर्डर कर लेंगे कि उसको बेसिकली उस ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर में चाहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग उस ऑर्डर में कर लेंगे। ऑर्डर बाई के बाद हमको देना पड़ता है यहाँ पे कॉलम नेम, हमने दिया भाई कॉलम नेम। कॉलम नेम किस ऑर्डर में हमको करना है, सिटी ऑर्डर में, क्योंकि हम चाहते हैं अल्फाबेटिकली हमको जो सबसे ऊपर है वो चाहिए। तो अब हमारे पास ये आ गया, इसको हम अल्फाबेटिकली कर लेंगे, जैसे अभी यहाँ पे तो अल्फाबेटिकली है, बट अगर नॉर्मल केस में यहाँ पे सी होता तो अल्फाबेटिकली नहीं होता। तो अल्फाबेटिक करने के बाद अपने पास ए भी आ गया। अब उसमें से जो हमको टॉप वाला है वो सेलेक्ट करना है, तो टॉप वाला
सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप समझो आपके पास यहाँ पे 10 वैल्यूज आई, ठीक है, आपको उसमें से मान लो 10 में से सिर्फ 5 ही वैल्यू चाहिए, तो एक लिमिट करके होता है, ठीक है, लिमिट कीवर्ड होता है जो क्या करता है, जो बताता है कि कितने चाहिए आपको, ठीक है। आपने लिखा लिमिट 1, तो क्या होगा, टॉप के जो ऊपर से 1 वाला दे देगा, अगर आप टॉप 10 लिखोगे तो ऊपर से 10 दे देगा, ठीक है। तो लिमिट 1, अब समझो कि करना कैसे है, पहले आप हम उसके मिनिमम के लिए देखते हैं, ठीक है। तो अब अपना क्या हो गया, यहाँ पे मिनिमम लेंथ आ गया। अब मैंने बोला कि इसमें चेक करना है, एक और हमको लिखना है, सेलेक्ट सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करनी है, और क्या सेलेक्ट करना है, लेंथ लेंथ ऑफ सिटी, ठीक है, किससे, फ्रॉम टेबल क्या हो जाएगा, स्टेशन, ओके। अब आपको क्या चेक करना है कि जो लेंथ है, जो अभी हम करंट जिसको बेसिकली प्रोसीड कर रहे हैं, उसमें लेंथ जो है वो इस मिनिमम के बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे वेयर, इसमें यहाँ पे लिखते हैं वेयर, जो लेंथ है, वेयर जो लेंथ है सिटी की वो क्या होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, मिनिमम के बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वेयर लेंथ ऑफ सिटी इसके इक्वल भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यूज करते हैं, इन लिखते हैं, ठीक है। इन क्या करता है, नॉर्मली हम इक्वल की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम इक्वल की बात करते हैं तो वो किसी एक वैल्यू को कंपेयर करता है, ठीक है, ए इक्वल टू टू इस टाइप से। बट अगर हम इन लिखते हैं तो क्या होता है, एक एरे ऑफ वैल्यूज के इक्वल कंपेयर करता है। मान लो यहाँ पे 10 वैल्यूज आई होंगी, तो वो चेक करेगा कि इसमें जो ए है ना, वो किसी एक में से, अगर मतलब ए की वैल्यू इन किसी 10 में से एक के इक्वल है, तो इसका मतलब ये कंडीशन को क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक करा कि इन सेलेक्ट मिनिमम, ठीक है, जो मिनिमम है उसमें होनी चाहिए। अब इससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सिटी आ जाएगी और लेंथ ऑफ सिटी आ जाएगी, बट हमको क्या चाहिए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर चाहिए। तो जो भी हमारे पास आया, ठीक है, ये हमारा हो गया वेयर सिटी इन, जो भी हमारी चीज़ हो गई, देन ओके। तो इस पे मैं अगर एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं वेयर लेंथ पे, ठीक है, तो ये पूरा हमारा दे देगा। उसके बाद हम लोग क्या 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 चाहिए, ऑर्डर चाहिए। तो हमने किया भाई ऑर्डर बाय, ऑर्डर के किस में चाहिए, ओ आर ऑर्डर बाय, हमको चाहिए सिटी के ऑर्डर में, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई सिटी के ऑर्डर में उसको शॉर्ट आउट कर दो। नॉब जो शॉर्ट ऑर्डरिंग की अगर हम बात करें, तो शॉर्टिंग क्या होता है, असेंडिंग में होती है, डिसेंडिंग में होती है। बट अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं यहाँ पे, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बताते हैं, वो यूजली असेंडिंग में ही शॉर्टिंग होती है, ठीक है। तो ऑर्डर बाय सिटी, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर बाय सिटी कर देंगे तो हमारे पास सारी की सारी सिटीज हमारे आउटपुट में आ जाएंगी जो मिनिमम लेंथ की होंगी। बट हमको क्या चाहिए, एक सिटी चाहिए। तो हमने क्या बोला, लिमिट, तो अब लिमिट हम बाद में देखते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब सिमिलरली अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मिनिमम लेंथ निकाल के सिटी और उसकी लेंथ ऑफ सिटी यहाँ पे प्रिंट कराई। अब सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ निकाल के, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम लेंथ निकाल के हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब इन दोनों को एक साथ मर्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं यूनियन या यूनियन ऑल। तो ये हम डिफरेंस प्रॉपर समझेंगे, यूनियन कब यूज होता है, यूनियन ऑल कब डिफरेंस यूज होता है, तो ये हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। बट अभी भी जो एक चीज रह रही है, वो रह रही है कि हमको सिर्फ एक वैल्यू देनी है, हमने शॉर्ट तो कर दिया बट हमको सिर्फ टॉप वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी, तो वो अभी हमने सेलेक्ट नहीं करी है, ठीक है। तो अभी इसको हम पहले एक बार उसको रन करके देखते हैं, देन हम लिमिट लगा के समझेंगे कि लिमिट कैसे लगानी है। तो हमने देखा कि ऑर्डर बाय सिटी करने पे यहाँ पे क्या हुआ, तीन जो है वो जिनकी मिनिमम लेंथ है वो आ रही है। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो सिर्फ एक चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे लिमिट लगा दी, हमने बोला लिमिट 1, तो हमको सिर्फ टॉप की एक चाहिए ऑर्डर करने पर, हमको लिमिट 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सबमिट करा और देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमने लेंथ सीखा कि अगर उसकी लेंथ निकाल ली है किसी भी स्ट्रिंग या सब की, तो हम लोग लेंथ कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, देखो ऑर्डर उसमें कई सारे थे, अब उसमें शॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, और ये आ गया अपना मैक्सिमम लेंथ के लिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ सीखा, अगर स्ट्रिंग की आपको लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो आप लेंथ यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हो। उसके बाद ठीक है, सब क्वेरी, नेस्टेड सब क्वेरी, ये सारी चीज़ें भी समझ में है कि एक क्वेरी के अंदर उसमें होगा क्या, देखो वो मैं बताता हूँ। ये जो अंदर वाली क्वेरी है वो पहले एग्जीक्यूट करेगी, वो आउटपुट दे देगी, फिर ऊपर की जो बाहर की क्वेरी है वो बाद में एग्जीक्यूट करेगी। तो पहले ये वाली एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद ये बाहर वाली एग्जीक्यूट होगी, और वो इसके अंदर चेक करेगी कि वेदर जो वैल्यू है वो उसके साथ मैच हो रही है कि नहीं। उसके बाद हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा, उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको वो ऑर्डर कर देगा सिटी के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इंक्रीजिंग में चाहिए, और लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। अब जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इसमें अल्फाबेटिकली था, तो ए ऊपर आया। अभी यहाँ पे अगर हम अल्फाबेटिकली जो है डिक्रीजिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर शॉर्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, DESC, ठीक है। अगर आपको इंक्रीजिंग में शॉर्ट करना है तो ASC लिखना होता है, और डिक्रीजिंग के लिए DESC, ठीक है। और असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो ऑर्डर बाई जो है वो उसमें शॉर्ट करता है, ठीक है। तो हिसाब से यहाँ पे आना क्या चाहिए, रॉय आना चाहिए, या कुछ देखते हैं क्या था,
डिसेंडिंग अकॉर्डिंग कुछ और आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे तीन थे मैंने देखा था। हाँ रॉय आएगा, ठीक है, तो ये आ गया, तो ये डिसेंडिंग में शॉर्ट हो गया। तो ये ऑर्डर भाई समझ में आया। लिमिट क्या होता है, लिमिट कितने चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने वन के लिए किया तो हमारे पास एक आया, अब हम चाहते हैं कि दो दे दो तो रॉय हो जाएगा, रॉय के नीचे एक और हो जाएगा, तो दो लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी हम टॉप के चाहते हैं कि भाई दो चाहते हैं, 10 चाहते हैं, 5 चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिमिट दे देंगे। देखो यहाँ पे हमने दो दिया तो ये दो आ गए, ठीक है। यूनियन क्या होता है, जो भी दो आउटपुट आए उसका यूनियन लेना, वो नॉर्मली हम लोग अभी समझेंगे यूनियन, यूनियन ऑल का डिफरेंस क्या होता है। और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो हमने लिमिट सीखा यहाँ पे, लेंथ निकालना सीखा, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, और इससे पहले हमने डिस्टिंक्ट सीखा था, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑलरेडी अभी सीख चुके हैं सेलेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, और भी हम लोग क्वेरी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट गो एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अगर अभी तक आप यहाँ पे लास्ट तक आ चुके हो तो ऑब्वियसली यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। तो एक बार जाके इसको शेयर भी कर दो अमंग योर कम्युनिटी, ठीक है, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इससे पहले अगर आपने जितने भी प्लेलिस्ट आए हैं ऊप्स के, ओएस के, वो सारे चेक नहीं किए तो लिंक आपको ऊपर टॉप पर मिल जाएगा कार्ड में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके अलावा इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइंड अवर टेलीग्राम कम्युनिटी तो वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल का फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑलरेडी लाइव नाउ, तो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बेसिकली न्यूटन स्कूल के बारे में ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में देख सकते हो। और फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में बेसिकली क्या करते हैं, दे विल बी गिविंग यू मेंटरशिप फॉर द 6 मंथ, उसके बाद दे विल बी गाइडिंग यू फॉर द प्लेसमेंट, और उनका बहुत अच्छी कंपनी के साथ कोलाब्रेशन होता है, तो उसमें पहले आपको मेंटरशिप देंगे, देन गाइडेंस देंगे, देन जो भी कोलैब होगा अच्छी अच्छी कंपनी के साथ, आप देखोगे तो वहाँ पे स्विगी, जोमेटो या अच्छी अच्छी गूगल इवन, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनी के साथ उनका कोलैब, और बहुत सारे बच्चे प्लेस हुए हैं विद न्यूटन स्कूल, तो आप जाके चेक कर सकते हो उनका फुल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रजिस्ट्रेशन लाइव है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे और भी क्वेरी सॉल्व करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।